हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आलू का इस टाइम बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है, तो आलू से कुछ रिलेटेड हम कुछ बनाने जा रहे हैं। तो इस टाइम तो होली आने वाला है, होली के माहौल से हम देख के आज हम बनाएंगे आलू का पापड़। तो देखते हैं आलू के पापड़ में क्या क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने नमक ले लिया है, आप इसके जगह बुरा तला भी नमक ले सकते हैं। और ये मैंने जीरा ले लिया है, हरा धनिया, लाल मिर्च। और सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए, एक कुकर में मैंने आलू रख लिया है और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। ज़्यादा भर के नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा। इसे अब हम बंद कर लिए हैं, इसे हम 2-3 सीटी मरवा लेंगे। तब तक हम इसे जीरा और मर्चा नमक पीस लेते हैं। इसमें हम जीरा डाल लेंगे, मिर्चा डाल लेंगे, थोड़ा तीखा रहे, आजकल का मिर्चा तो ऐसे भी तीखा नहीं रहता है। और इसमें हम नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा, कि ये सब अच्छे से पीस जाए मेरा। इसे मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसका पाउडर बना लिया है। आलू को हम छील लेंगे, सारे आलू को छील के। ये देखिए, गरम आलू ही हम इसको मैश कर लेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा। ग्रेट कर लिया है आलू को, मैंने मसल लिया है। इसमें हम नमक, जीरा और जो मैंने पीसा था उसे हम डाल लेंगे, और कटा हुआ धनिया डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मैंने नमक उसमें थोड़ा सा डाला था। इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हम हाथों में तेल लगा लेंगे, कुछ इस तरह, जो मेरा पत्ता में चिपका रहेगा वो चिपकेगा नहीं। और हम चलेंगे इसको लेके छत पे। इतना सा हम लोई ले लेते हैं आलू का, इसका टिकिया जैसा बना लेते हैं। इसी तरह सारा बना के हम रख लेते हैं। एक पन्नी बिछा लेंगे छत पे, और पन्नी को बिछाने के बाद यहाँ पे हम तेल लगा लेंगे जहाँ पे हमें पापड़ बनाना है। और एक लोई हम रख लेंगे तेल लगाने के बाद, और इस पन्नी पे भी हम तेल लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको रख लेंगे इस तरह, और एक थाली से हम दबा देंगे। थाली, प्लेट आपके पास जो हो, इस तरह हम दबा लेंगे। और इसे हम हाथों से फैला लेंगे कुछ इस तरह। अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक साथ हम दो दो बना रहे हैं कुछ इस तरह, इस जैसे बताएं, तेल लगा के। और इसी तरह हम थाली से दबा लेंगे, पहले एक दबा लेंगे हम कुछ इस तरह, फिर दूसरा भी दबा लेंगे हम कुछ इस तरह, और हाथों से हम फैला लेंगे इसे। हाथों से इतना हम पतला पतला कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे, और इसे हम 2-3 दिन तक धूप में रख लेंगे। और इसे हम धीरे धीरे उखाड़ेंगे कि मेरा पापड़ ना उखड़े, कुछ इस तरह। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे, और आपको हम मशीन से भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने दबाने वाला एक मशीन लिया है, इसी से हम पापड़ को इस तरह दबा देंगे पन्नी लगा के, जिस तरह हम बना रहे थे। जो मैंने थाली से दबाया था उस तरह हम पापड़ से दबा लेंगे। इसे हम ऐसे ऐसे फैला लेंगे, इसे हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये देखिए, मेरा बन के एकदम तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे पापड़ बना के एकदम रेडी कर दे रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह सारे पापड़ हम बना लेंगे। मेरे घर के सारे बच्चे भी बना रहे हैं और हम भी बना रहे हैं। थोड़ी देर इसे हम पलट भी लेंगे, आपको पलटते समय भी दिखा देंगे हम। ये देखिए, इसे हम धीरे धीरे ऐसे करके सारे पापड़ पलट लेंगे। इसी तरह सारे पापड़ को उलट पलट के हम सुखा लेंगे। 2-3 दिन में मेरा पापड़ एकदम सूख जाएगा, कई पापड़ मेरा टूट भी सकता है। ये देखिए, मेरा पापड़ थोड़ा सा सूख गया है, और इसे हम आपको तल के दिखाते हैं। पापड़ में हमेशा नमक कम रहता है, क्योंकि नमक कम रहेगा तभी पापड़ बहुत स्वादिष्ट होता है। इसी तरह सारे पापड़ हम पलट तल लेंगे। इसी तरह हम सारे पापड़ तल के निकाल लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा आलू का पापड़ बनके एकदम रेडी हो गया है। आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, कितना कुरकुरा पापड़ है। और कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।